तो फाइनली ये टेबल बन करके आया हुआ है। ये देख रहे हो बिल्कुल टेबल क्लॉथ से मैंने कवर्ड कर दिया, और एक्चुअली ये टेबल क्लॉथ नहीं है, ये कर्टेन है, तो इसको मैंने टेबल क्लॉथ बना दिया है। ये बहुत ही लंबा था, 9 फीट का था, तो इसको अच्छा यूज़ हो गया है। ऊपर से मैंने एक रनर लगाया है सीक्वेंस वाला, ये भी अमेज़ॉन से लिया है। और यहाँ पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि मैंने पिकनिक थीम रखा है, तो ये मैंने टूथपिक लिए हुए हैं एंड शेप में। ये एंट्स है। हाँ। तो ये टूथपिक एंट्स है, और जैसे मैं कैसे खा सकता हूँ? हाँ, ऐसे उठा करके खा सकते हो, और साथ में बैठने के लिए कुशन्स कुछ। अब यहाँ पे मैंने टिपी टेंट रेडी हो गया है, और अंदर सॉफ्ट टॉयज भी हमने डाल दिए हैं। ये कैनोपी लगाया हुआ है ऊपर की तरफ में। हाँ, ऊपर की तरफ में सारा ये आप देख रहे हो, सब मैंने डॉलर स्टोर में अवेलेबल रहते हैं, वो सब मैंने यहाँ पे लगाया है। कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से चूज करिए। मैंने ज़्यादातर पिंक कलर और वो टील कलर, वाइट कलर का ज़्यादा यूज़ किया है, और अगर बलून में है तो गोल्डन वोल्डन भी आप रख सकते हो। ये देख रहे हो, और ये है लेमिनेट स्टैंड। एक्चुअली ये जो स्टैंड है वो एरी का एक टॉय स्टोरेज था। मैं इस पिक्चर में दिखाऊंगी कि वो टॉय स्टोरेज कैसा लगता है। और हमने ये डॉलर स्टोर से 2 कार्डबोर्ड लिए हैं, उसको मैंने ऐसे वो लैमिनेट का ये जो शेप है उसमें मैंने ये पेंट कर दिया है। लैमिनेट का ये जार तो मेरे पास ऑलरेडी था। ये ग्लासेस, और यहाँ पे मैं कपकेक्स रखूंगी। हाँ, और ये बैनर, हाँ, हम लोगों ने बनाया है ना, ये बहुत क्यूट। तो ये रहा इनका बर्थडे का सेटअप। यहाँ पे हम थोड़ा म्यूजिक सिस्टम रखेंगे, बच्चों को एंटरटेन करने के लिए इतना स्पेस दिया हुआ है। और ये रहा आर्च, जो कि रात में दिखाया था कि बड़ी मेहनत के बाद ऐसा रिबन है। और उस तरफ हमने इनके लिए क्राफ्ट के लिए लगा रखा है, अगर क्राफ्ट करना है तो क्राफ्ट कर सकते हैं, और अगर इनको खाना खाना है तो यहाँ पे भी इसे लंच कर सकते हैं बच्चे। ये भी डॉलर स्टोर में अवेलेबल रहता है, ऐसा पाइप आप ले लो और गार्डन में इस तरीके से लगा सकते हो। ये देखो चारों तरफ हमने लगाया है। इसमें हीलियम गैस की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे मतलब ऐसे जमीन पे लगा करके आप ऐसे लगा सकते हो। और ये हमने हैंडमेड बनाया है। वेलकम टू आराध्याज बर्थडे पार्टी। तो यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत स्नैक्स लगा दिए हैं ताकि बच्चे थोड़ा बहुत खा करके गेम्स की तरफ बढ़े। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्रूट्स, कुकीज, चिप्स रखे हुए हैं साइड पर, यहाँ पे सैंडविच लगाए हुए हैं, तो थोड़ा बहुत खा करके फिर हम गेम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो तब तक मैंने बच्चों के साथ में कुछ पिक्चर्स ली है। मैं ड्रेस की बात कर रही, तो मैंने और एनी ने, हम दोनों ने काफ्तान पहना हुआ है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रीज गेम। तो यहाँ पे ये बच्चे को एक सॉन्ग चलेगा और सडनली ये स्टॉप होकर के इनको फ्रीज होना है, और इन्होंने बहुत इंजॉय किया। अब कुछ क्राफ्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चों ने ओके, व्हाट यू मेकिंग एरी? A person going outside. Going outside, okay. Ujasvi, what are you making? I'm making a lotus. Lotus, oh, so beautiful. And तो इस क्राफ्ट पे ये लोग अपना अपना एक बैग रेडी कर रहे हैं, और उसके लिए ये पॉम पॉम सीक्वेंस और जो भी सजाने वाली डेकोरेटिव आइटम्स है ग्लू के साथ में ये अच्छे से डेकोरेट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली ये कंपटीशन है, तो इनको है कि सबसे अच्छा किसका बनेगा, तो सब बहुत जुटे हुए हैं।
अपना अच्छे से बैग रेडी करने के लिए। अब गेसिंग गेम होता है, दमशराज की तरह ये सेम होता है, बस छोटे छोटे वर्ड्स इनके लिए है। जैसे कि इसने अभी बाइकिंग का एक्टिंग किया है, कोई बच्चों को गेस करना था। यहाँ पे वो जस्ट भी ट्राई कर रही है केक का, बच्चे ईटिंग और सब कुछ बोल रहे हैं पर वो केक नहीं बोल रहे हैं। अब यहाँ पे सब गेम्स और क्राफ्ट होने के बाद में बहुत भूख लगी इनको, और फिर हमने सब बच्चों को पिज्जा और ड्रिंक्स दिया। तो यहाँ पे इन लोगों ने काफी एंजॉय किया और बहुत ही मजा आया, हम लोगों को भी बहुत मजा आया। और अब है ये केक टाइम।